नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अमरजीत सिंह और आप देख रहे हैं डेवलपर दुनिया यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम बनाएंगे एनिमेटेड बटन विद होवर इफेक्ट्स। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, देखिए हमने चार बटन बनाए हैं CSS और HTML के साथ। तो देखिए हम जिसमें होवर करते हैं तो चारों के अंदर डिफरेंट इफेक्ट्स आते हैं। जैसे हम फर्स्ट वाले पर होवर करते हैं तो देखिए कितना अच्छा से एनिमेशन होती है। सेकंड पे देखिए, थर्ड पे देखिए, फोर्थ पे, और ये कितने लाइटली स्मूथली ये इसमें होवर इफेक्ट चल रहे हैं। तो हम आज की क्लास में इन्हीं बटन्स को बनाने जा रहे हैं। तो देखते रहिए और आप भी इसको बनाकर अपने इसको किसी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। कोड एडिटर के हमने अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर एक HTML का बेसिक स्ट्रक्चर लिख लिया है। अब हम कोड लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका HTML लिख लेते हैं, लिख लेंगे कंटेनर नाम की क्लास देंगे जिसके अंदर इन बटन को रखा जाएगा। तो हमने चार बटन ले लिए जिसमें टेक्स्ट होगा होवर में, और इसकी सबकी एक कॉमन क्लासेस का नाम है BTN, और जो एक अलग अलग क्लासेस होंगी जैसे कि BTN1, BTN2, BTN3 और BTN4। सेव करते हैं, पेज रीलोड करते हैं। तो देखिए हम जो चार बटन आ चुके हैं, अब हम वैसे इसको सेंट्रलाइज कर लेंगे। उसके बाद इस पर बटन्स की एनिमेशन इफेक्ट यूज करेंगे। तो अभी हम जो CSS होगी वो सेम पेज पे ही लिख रहे हैं। स्टाइल टैग के अंदर आप चाहे तो उसको डिफरेंट CSS फाइल के अंदर भी लिख सकते हैं। तो लिखते हैं कंटेनर। हमने जो कंटेनर लिया है, पहले तो उसको टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देंगे जिससे कि सभी बटन्स सेंट्रलाइज हो जाएंगे, और मार्जिन टॉप से देंगे हम इसको अराउंड 300 पिक्सल। सेव करके चेक करते हैं। तो देखिए थोड़ा टॉप से भी अच्छे से सेंट्रलाइज हो चुके, सेंटर में हो चुके हैं। अब बटन जो हमने क्लास ली थी BTN, उसके ऊपर CSS लिखेंगे। पहले तो हम इसका बैकग्राउंड जो हुआ, जो बाय डिफॉल्ट ये बटन्स का बैकग्राउंड होता है, इसको हम नन कर देंगे। और जो इसका बॉर्डर है वो हम इसको 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू देंगे। तो फ्रेंड्स हम इस प्रोजेक्ट के अंदर ब्लू कलर यूज कर रहे हैं, आप चाहे तो कोई भी कलर यूज कर सकते हो। पैडिंग देंगे हम इसको 10 पिक्सल टॉप और बॉटम से, और लेफ्ट और राइट से 12 पिक्सल। पैडिंग देंगे हम इसको टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल और लेफ्ट और राइट से 20 पिक्सल। और मार्जिन देंगे हम टॉप राइट लेफ्ट और बॉटम से 12 पिक्सल। फ्रेंड्स हम इसमें फॉन्ट फैमिली यूज करेंगे रोबोटो, और इसका फॉन्ट वेट होगा 500। तो सेव करके चेक करते हैं। देखिए ये बटन आ चुके हैं। उसके बाद हम इसका थोड़ा फॉन्ट साइज लिख लें। फॉन्ट साइज हम इसको 15 पिक्सल देंगे। ट्रांजिशन, फ्रेंड जब इसके अंदर बटन्स के अंदर जो एनिमेशन होगी तो वो पर बटन्स की एनिमेशन कितने सेकंड्स में कंप्लीट होनी चाहिए, तो हम इसको लिख देंगे 0.5 सेकंड। मीन्स
0.5 सेकंड के अंदर ये एनिमेशन इफेक्ट कंप्लीट होगी। इन बटन के ऊपर जो भी इस बटन के ऊपर अभी जब वो होवर करते हैं तो उसका जो कर्सर होगा उसको भी चेंज कर देंगे हम, कर्सर इसलिए हम करेंगे कर्सर पॉइंटर, पोजीशन रखेंगे हम इसकी रिलेटिव, पोजीशन रिलेटिव कर दिया हमने और ओवरफ्लो हिडन कर दिया। अब हम बीटीएन के अंदर बिफोर जो बिफोर पे बिफोर का कर लिखेंगे, जो बिफोर की जो पोजीशन एब्सोल्यूट होगी विथ होगी इसकी 100%, लेफ्ट से 0 कर देंगे, बैकग्राउंड कलर हम करेंगे इसका ब्लू। उसके बाद हम इसका -1 कर देंगे और ट्रांजिशन इसमें भी ट्रांजिशन 0.5 सेकंड कम सेव करके चेक करते हैं। इसकी हाइट दे देंगे हम 100 पिक्सल, इसकी हाइट दे देंगे हम 100%। तो देखिए ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। हम इसका कलर भी चेंज कर, कलर भी वाइट दे देते हैं जो भी ब्लैक आ रहा है, सेव करके फिर चेक करते हैं। तो देखिए कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। अब फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, बटन BTN1 और कोमा लगा के BTN2, इसका जो कलर होगा हम इसको ब्लू देंगे। इसी तरह जो BTN3 और BTN4 है उसका कलर हम वाइट देंगे। सेव करके चेक करते हैं, देखिए इसका ब्लू हो चुका है, इसका वाइट हो गया। हम इसी को कॉपी करके हमने जो बट यहाँ पे हम लिखा है BTN1 BTN2 के कलर ब्लू और 3 और 4 का कलर वाइट, इन्हीं को हम दोबारा से कॉपी करके हम ही लिख देंगे कि जब इन बटन्स पे होवर होता है तो उन पे जो करंट कलर है वो अपो दूसरे कलर से रिफ्लेक्ट हो जाए। जैसे कि करंट टाइम पे अगर ब्लू है तो वाइट हो जाएगा, अगर वाइट है तो ब्लू हो जाए। सेव करेंगे, चेक करेंगे, देखिए हम इस पे होवर लेके जाते हैं, ये ब्लू वाला वाइट हो जाता है, वाइट वाला ब्लू हो जाता है। आगे का कोड लिखते हैं, अब हम BTN1 का जो B4 होगा और BTN3 का B4, BTN1 और 3 का B4 जo होगा उसका टॉप से हम इसको 0 कर देंगे। बॉर्डर रेडियस जो होगा इसका वो हम 0 0 50% 50% देंगे। इसी तरह हम इसको कॉपी कर लेंगे और बटन इस बार BTN2 और BTN4 ये टॉप की जगह हम इसको बॉटम करेंगे और बॉर्डर रेडियस हम 50% 50% फिर 0 फिर 0। फ्रेंड्स ये चारों पोजीशन से है, मतलब टॉप राइट लेफ्ट और बॉटम से। इसी तरह यहाँ पे भी हमने इसको बॉर्डर रेडियस दे दिया है। सेव करके चेक करते हैं तो देखिए बटन कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हम बटन 3 का जो B4 होगा और बटन 3 का जो B4 है और बटन
फोर का बिफोर उनकी हाइट दे देंगे 180%। सेव करेंगे और देखिए कवर हो चुका है, आगे का देखते हैं हम क्या करते हैं। तो फ्रेंड्स हमने जो पीटीएन बिफोर इस पे जो हाइट दी थी हम इसकी हाइट अब हटा लेंगे, सेव करेंगे। तो देखिए कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। अब हम BTN1 के होवर उसके बिफोर और इसी को कुछ कॉपी करके BTN2 के होवर उसके बिफोर की हाइट 100 की हाइट 180% करेंगे। इसी तरह BTN थ्री के होवर के बिफोर कॉपी के हाइट 0%। फ्रेंड्स हमने लास्ट में कहा रहा कि जो पीटीएन वन था और पीटीएन टू था उस पर जब कोई होवर करता है तब उसके जो बिफोर मीन्स जो ये ब्लू कलर का हमने बॉक्स सब बनाया था उसकी हाइट 180% होनी चाहिए और थ्री और फोर के होवर पे उसके बिफोर की हाइट 0% होनी चाहिए, क्योंकि हमने पहले इनकी हाइट कुछ नहीं दी थी और इसकी हाइट 180 दी थी। तो हमने इसकी हाइट को मीन्स अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट दे दिया, जैसे इसकी जीरो थी उसकी 180%, इसकी 180% तो उसकी 0%। तो हम सेव करेंगे, चेक करेंगे रिलोड करके। तो हम इस बटन के ऊपर होवर करेंगे चारों बटन्स के ऊपर। तो फ्रेंड्स ये देखिए होवर पे बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है बट एनिमेशन परफॉर्म नहीं हो रही, जैसे कि मैंने आपको रेफरेंस डिजाइन में दिखाया था। तो हम अपने कोड एडिटर में चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने यहाँ पे BTN बिफोर जो था यहाँ पे ट्रांसफॉर्म लिखा था, तो इसकी जो ट्रांजिशन है उस आपको ट्रांसफॉर्म की जगह ट्रांजिशन लिखना है, जैसे कि हमने यहाँ पे इसमें लिखा था BTN के अंदर यहाँ पे ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड। सेव करेंगे, पेज रिलोड करेंगे। तो अब ओवर करके देखते हैं सभी पे। तो फ्रेंड्स देखिए लास्ट वाले दो के अंदर तो एनिमेशन परफॉर्म सही से हो रही है। अब हम फर्स्ट और सेकंड में भी देख लेते हैं कहाँ पे रह गई कमी। फ्रेंड्स देखिए इसमें BTN बिफोर जो है यहाँ पे हमने विड्थ तो दी है, हाइट हम इसकी 0% देंगे, ओनली जीरो नहीं यूज करेंगे, अब इसको 0% देंगे। सेव करके चेक करते हैं फिर दोबारा से। तो देखिए सभी में एनिमेशन परफॉर्म कर रही है फर्स्ट चारों बॉक्स बटन्स के अंदर। देखिए कितने स्मूथली बटन, देखिए कितने स्मूथली एनिमेशन परफॉर्म हो रही है। तो उम्मीद है आपको मेरी ट्यूटोरियल अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।